अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नॉलेज सिटी इस्लामिक स्कूल। स्टूडेंट्स, टुडे वी गोना स्टडी द बुक ऑफ साइंस इन ग्रेड टू। टुडे आवर यूनिट नेम इज बोन्स एंड मसल्स। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड एंड रीड द यूनिट। नाउ इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, कम विद मी ऑन पेज नंबर 8। ऑन पेज नंबर 8 स्टूडेंट्स वी हैव डायग्राम जिसको हमने लेबल करना है। हमें बताना है बच्चों मसल्स कहाँ पर हैं, बोन कहाँ पर है और जॉइंट कहाँ पर है। यहाँ पर हमें लिखना है बच्चों ये वाला एरिया बाजू को कंधे के साथ जोड़ रहा है, तो ये क्या है? जॉइंट। हियर वी राइट जॉइंट। बच्चों ये क्या है? बोन, हड्डी है, तो हियर वी राइट बोन। नाउ इन दिस वी हैव मसल। स्टूडेंट्स ये क्या है? मसल। हियर वी राइट मसल। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन पेज नंबर 9। ऑन पेज नंबर 9 स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट ए वी हैव क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स आई रोट क्वेश्चन आंसर फॉर यू ऑन व्हाइट बोर्ड विच आई शो यू इन लास्ट ऑफ वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स जंप ऑन पार्ट बी। ऑन पार्ट बी स्टूडेंट्स वी हैव चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव देयर आर डैश बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी 206 और 209। वी ऑलरेडी रीड स्टूडेंट्स 206 बोन्स। एक ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। हियर वी राइट 206। नाउ इन सेकंड वन आर डैश इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। जहाँ पर बच्चों दो बोन्स जुड़ती हैं वो जगह क्या कहलाती है? जॉइंट या मसल। क्या कहलाती है? जॉइंट। हियर वी राइट जॉइंट। नाउ कम ऑन थर्ड वन। द स्केलेटन गिव्स डैश टू द बॉडी शेप या स्ट्रेंथ। द स्केलेटन गिव्स शेप टू द बॉडी। नाउ कम ऑन फोर्थ वन। मसल्स नीड डैश टू बिकम स्ट्रॉन्ग। मसल नीड हेल्दी फूड या अनहेल्दी फूड? ऑब्वियसली हेल्दी फूड। मसल नीड हेल्दी फूड टू बिकम स्ट्रॉन्ग। हियर वी राइट हेल्दी फूड। मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने के लिए हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन पार्ट सी। लुक एट द क्लूज बिलो टू फाइंड द करेक्ट वर्ड्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं जिनको आपने पढ़कर यहाँ पर कुछ करेक्ट वर्ड्स को ढूंढना है। फर्स्ट क्लू स्टूडेंट्स आपके पास है दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। यहाँ पर मसल्स, हेयर वी सर्कल मसल। इट गिव्स अवर बॉडी शेप। हमारी बॉडी को शेप क्या चीज़ देती है? स्केलेटन। हेयर वी स्केलेटन। इसी तरह बच्चों आप लोगों ने इन क्लूज को पढ़ते हुए बाकी को खुद ढूंढ रहा है, ये आपका होम टास्क है। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की जानिब। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर व्हाइट बोर्ड पर लिख चुकी हूँ, जिनको आपने क्वेश्चंस को आपको बुक से देखना है। क्वेश्चन आपने बुक से कॉपी करने हैं पहले और उसके बाद आंसर्स आपने व्हाइट बोर्ड से कॉपी करते हैं, नीट कॉपी पर, नीट एंड क्लीन कॉपी करने हैं। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर की जानिब आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है What is the job of skeleton? First answer is skeleton makes frame of our body, give us shape and keep in upright position. Now come on question number 2. Question number 2 is what do bones do for us? Answer number 2 is bones provide support for our body and help form our shape. Question number 3 is friends what would it be like to have no bones in your body? Answer number 3 is without the bones we would have no proper shape of our body. Question number 4 is friends what do we need muscles and joints? Why do we need muscle and joints? Answer number 4 is we need muscle and joints to move. Okay students, ye hamara aaj ka sabak tha. Umeed hai aaj ka sabak aapko samajh mein aa gaya hoga. Aap log students neat and clean question answer apni neat copy par copy karne hain. अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।